जगह पर। लेकिन पहला मंत्रिमंडल नेहरू जी का बना तो उनकी ज्ञान और विद्वत्ता के कारण पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब को पदभार दिया गया, उन्हें समझा। और जो शायद तालियां कम बजे वो इस पर बजेंगी कि अपने से विपरीत विचार वाले आज राष्ट्रवाद जिनके नाम पर इतना सारा काम करता है, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया, कश्मीर मामलों का मंत्री। नरसिंह राव जी की सरकार थी, हमारे पाकिस्तान से झगड़े थे, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र संघ का, और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, और पक्ष प्रस्तुत करना था भारत का। लेकिन कैसे लोग इस संसद ने देखे हैं और कैसा समय आ गया कि उस सारे बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस सरकार में नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए अपनी पार्टी का कोई नेता नहीं भेजा। हमारे कवि मंचों के महनीय कवि और देश के आगे चलकर जो प्रधानमंत्री बने, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा आप हमारी बात जाकर के कराइए, भारत की बात जाकर के। तो ये जिस तरह हम सोचते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जो यहीं के कवि हैं मध्य प्रदेश के, भवानी दादा ने लिखा कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद ही हमसे बड़ा तू दिख। मैं कैसे कवि को बुला रहा हूं जो पिछले 4-5-6 वर्षों में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा विमर्श जिसने सेट किया, गालियां भी बहुत खाई, तालियां भी बहुत मिली, स्वीकार भी मिला, अस्वीकार भी मिला। और हमें याद है कि जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी तब भी हम सब लोग कविता पढ़ते थे और इसी तरह कविता पढ़ते थे और यही सब बातें बोलते थे जो बोलनी है, जो बोली जा सकती थी। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं आती थी कि नकार इतनी बुरी हालत में हो जाए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई तैर सकता है तो वो मनुष्य तैर सकता है। बहाव के साथ तो लाश बहती है, मुर्दा लोग बहते हैं, और ये मैं दुष्यंत के शहर में कह रहा हूँ जिसने आग लिखी है और उस आग का प्रभाव झेला है। मैं चाहता हूँ कि गुलाबी नगरी जयपुर से आए संपत सरल को आमंत्रित करूँ, इसी गुलाबी शोर में आप जोरदार तालियों के साथ संपत भाई का स्वागत करें। आइए संपत। आज के इस समारोह में विराजित सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मी यादव जी और तमाम जो लोग हैं कैबिनेट के और विधानसभा के सदस्य और भोपाल के रसिक श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं। हिंदी मंच पर आदरणीय राहत इंदौरी साहबिया विराजे हैं तो ये संदेश तो चलाया गया कि आवाज़ दो हम एक हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आपने संयोजित किया उनके त्याग और बलिदान को भी प्रणाम करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी इसी प्रदेश के कवि थे, खैर वो तो पूरे देश और दुनिया का होता है कवि। करमवीर उनकी कविता की 4 पंक्तियाँ हैं कि बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है हे मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र। तो उस त्याग और बलिदान को जो उन्होंने किया उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास ऋणी है हिंदी कवि सम्मेलन उनका की जो उन्होंने विस्तार और गहराई दी है, और जब जब भी किसी कवि सम्मेलन में हम साथ थे और कुछ आवाज़ें उठी तो वो हमेशा डट करके मेरे साथ खड़े रहे, असहमतियाँ अपनी जगह होती हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। दरअसल लोग मुझसे शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा भाई जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकार किसी भी हो, स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, और जब चुनाव हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, बुद्धिजीवी और पत्रकारों की हो जाती है। बहुत अच्छे, क्या बात। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। गांधी को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। ये मेरा निजी मत है कि नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से अच्छा मॉडल हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरा मुझे अभी दिखा नहीं, और गांधी साध्य है नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते चल करके गांधीवाद तक पहुंचने का। अब गांधी को लेकर के भी तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जीवन में सहज रहना चाहिए। आप ही के प्रदेश के एक भाजपा के बड़े नेता ने कह दिया था कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। दरअसल चरखे के साथ फोटो खिंचवाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है।
तो तमाम तरह की शिकायतें सहज रहा करो और इनकी बातों पे गुस्सा मत करो, ये हंसने वाली बातें। जब वो कोई मुझे शिकायत करता कि साहब देखो पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है, मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े व्यंगकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। समदर्शी भाव में रहना चाहिए, विसंगतियों से व्यंग निकलता है। अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश शासन में वो दिनेश बावरा बहुत समझ रखता है, लेकिन बोला भाई साहब ये व्यापम क्या था। मैंने कहा आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, पेंशन छठे की हुई, वेतन उठाया सातवें ने, और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। व्यंग कहां से निकलता है? अखबार आप पढ़ते हैं, खबर का शीर्षक देखो, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूँ, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है, जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे समय। सब चीजें आती जाती रहेंगी, मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, काफी हैं, मैं माफी चाहता हूँ, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। ये भी अपने दायित्व का निर्वहन पिछले कुछ समय से ढंग से निभा नहीं पा रहे, हालांकि गलती उनकी नहीं है जो अपने कैमरे और कलम लेकर के आए हैं, कलम और कैमरा उनको पकड़ा दिया और हाथ पीछे बांध दिए गए। आजादी के बाद जब हम थोड़ा समझदार हुए, पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी शहर के शायर थे ताज भोपाली, उनका एक शेर है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठाओ ना और राशि पर। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज, मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले बंधु तो इतना हंसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले। वो प्राइम टाइम में बहस आती है ना न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे,
अमूमन चार जन बैसे आते, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला, बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी। अच्छा है। पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखो इस समय, खाली यही की बात नहीं है, वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, जिनपिंग हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है। क्या बात है, क्या हिम्मत है, वाह। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन नीचे उतारते। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। और टेक्नोलॉजी, हालांकि डिजिटल इंडिया होने से फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। तालियां कम बजरी में, बात तो बढ़िया कह दी। वाह संपत भाई, वाह। कोई भी आदमी देखो कितना व्यापार मुक्त हो गया। कोई भी आदमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनेस करता है, कर सकता है। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, हालांकि तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार आज भी बीमार पड़ गए क्या। मैंने बात संभाली, मैंने कही ऐसा नहीं है, दरअसल दो कारण है। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। वो बोला ठीक कह रहे हो संपत जी, दूसरों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था एक दिन के लिए दवाई की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे हम भी ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके एक मेडिकल वाले हैं सिंह साहब, वो तो दीपावली भी पटाखे बेचते हैं। और अब व्यंग पर समर्थन करना, मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या। बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। भाई जिंदाबाद, क्या बात है। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था आदरणीय कमलनाथ जी उसके चेयरमैन थे, इससे ये भी शुद्ध हुआ कि ये पढ़े लिखे। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब विपक्ष के लोग एक आदमी को इतना टारगेट करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों पे सवाल उठाए, ये कोई अच्छी बात भाई। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं। वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। कमाल है भाई। मैं ऐसे कई को जानता हूँ जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विपक्षियों का मन बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये डॉक्टर कुमार विश्वास होटल में पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। यही सब सटाया। अभी महाराष्ट्र की भी चर्चा आई, दरअसल वो सेकंड की सुई जो है घड़ी की, वो मिनट वाली से आगे निकल रही थी। क्या बारीक है, वाह। लेकिन उसको पता नहीं था कि सेकंड वाली पूरा चक्कर काटती है तब मिनट वाली थोड़ी सीख सकती है। और ये पहला मौका है मंत्री महोदय महाराष्ट्र में जब चौकीदार का पाला थानेदार से पड़ा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मोहब्बत रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए,
पाकिस्तान चाइना इन सब विषयों पे तो कर्नल साहब बोलेंगे, क्योंकि ये तो आमने सामने चेहरे से चेहरा मिला करके, आंखें से आंखें मिला करके लड़े हैं। मेरे लिए ये व्यंग के विषय नहीं है भाई। उस पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। वातावरण में अजीब सा तनाव है। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए, और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। कई तो भक्ति इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, वो अंध भक्ति में इतना डूबा रहता है कि हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, तो किसी ने उसको समझाया, बोले भाई अकल से काम ले, जो कि नहीं थी। बोले जिसको तुम देवता समझ रहे हो वो माइल स्टोन है, वो अंध भक्ति में डूबा था। बोले नहीं, ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। अरे वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। ये नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। मुद्दों की बात करो, रोजगार की बात करो, सद्भाव की बात करो, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करो, ये उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के शोशेबाजी की जाती है। अभी जैसे धारा 370 का मसला था, मुझसे भी लोगों ने पूछा, ये मेरे व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ, बोले जी 370 पर, मैंने कहा मूल्यांकन समय करता है, आज हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे, बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। अभी NRC का मसला है, मैं समझता हूँ कि अगर वो शरणार्थी हैं चाहे घुसपैठिए हैं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव इस देश की हजारों साल की परंपराओं के विरुद्ध है। मैं सिर्फ लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है, हजारों साल की भारतीयता के विरुद्ध है ये सारी चीजें। जो आया है वो सबका है, और ये धर्म के झगड़े भी नहीं है, इतिहास के नाम पे लड़ाते हैं। महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति हाकिम का पठान था, क्या बात है, और अकबर का मुख्य सेनापति राजा मानसिंह था। वाह, बहुत। वो सब साम्राज्यवाद के झगड़े थे, धर्म भी उसमें एक फैक्टर हो सकता है, तो मोहब्बत से काम लेना चाहिए, समय की अपनी सीमाएं हैं। और मैं एक रचना आपको नई सुनाता हूं, जो एक दो जगह सुनाई है, अगर अच्छा सुन लिया तो फिर और कोशिश करेंगे दो चार मिनट सुनाने की, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है चीजें भी बदलेंगी। जैसे आज मैं जयपुर से आया, 12 घंटे लगे, डॉक्टर कुमार विश्वास को फ्लाइट से आना पड़ा, उसमें भी 2.5-3 घंटे लगते हैं। ये चीजें हल हो जाएंगी जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी। और हम तो सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया प्रधानमंत्री ने, जापान के प्रधानमंत्री से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा। वो जानते हैं 50 साल बाद में देने वाले बचेंगे ने लेने वाले बचेंगे। और इसी शहर के शरद जोशी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। भाई दिव्य, 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया तो वो जैसे ही मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल जाएंगे। और अगले ने साफ कह दिया है शिंजो आबे को कि भैया कोई सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। दरअसल ये लोग चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ। 2015 में आए थे शिंजो आबे,
तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए दिल्ली में, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई और भरपूर समर्थन करना व्यंग तक पहुंच जाओ। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला। सोशल मीडिया ने भी उधम मचा रखा है, ऐसा नहीं लगता कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लगता है जैसे वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। निदा फाजली साहब की 2 पंक्तियां हैं, उनमें अगर शेर थोड़ा इधर उधर करूं तो कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। वाह, मैं बधाई देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन को कि इस अवसर के बहाने आपने इतने लोगों को घरों से निकाला, वरना तो सब उसी में लगे रहते। घरों से निकलिए, प्रजातंत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं और जो मूल्य हैं उनको पहचानिए, अड्डेबाजी कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, क्योंकि आदमी लैंग्वेज से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। बहुत अच्छा, बहुत। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली। आए है, आए है, क्या बात है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं। टेक्नोलॉजी से फॉर्मेट बदला है, पाखंड वही। आए है, वाह क्या बात है। पहले देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आजकल देवी देवता का फोटो डाल करके 16 शेर मांगते हैं। अपनी समस्या से संबंधित कोई भी देवी देवता गूगल से डाउनलोड करो, अपनी मनोकामना लिख करके सोशल मीडिया पे छोड़ दो, घंटे आध घंटे में तो ऐसा वायरल होगा कि आपका देवी देवता नई मनोकामना के साथ आप ही के पास आ जाएगा। और एक आ गई है सेल्फी, क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब, कैमरे का फ्रेम दिखते आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं कई महिलाएं हर 10-15-20 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए। और अब आपकी तालियां उठेंगी, कितने धोखे का संसार है, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई, बड़ा धोखा हुआ, जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकले। और कुछ नहीं करना, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खुलवा। बहुत अच्छा। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, 1 अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है, एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, जो अपने साथ ले जाना जीवन में बड़ा काम आएगा, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। बहुत अच्छे संपत्ति। किताबें पढ़िए, शब्दों की तरफ लौटिए, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल कर लिए। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है एडवांस, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकता। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह। उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं। एक रचना मैं आज इन कवियों की उपस्थिति में पहली बार सुना रहा हूँ, तो आप अगर तालियां वालियां बजा के हिम्मत दे देंगे तो फिर मैं आगे भी सुनाऊंगा, और कुछ भी नहीं हो तो शीर्षक पे तो आप बजा ही देंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास और राहत साहब को समर्पित है, सुनिए साहब। रचना का शीर्षक है मन की बात। इसी शहर के शरद जोशी जी थे, वो प्रोज पढ़ते भी सुनाएंगे, मैं अकेला आदमी गद्य पढ़ता हूँ। शरद जी के शहर के लोग किसी शब्द को कैसे उठाते हैं, मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, सुनिए साहब। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं,
एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। तालियां कमजोर थी। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं। अब आपकी फिर मोहब्बत मांगता हूं। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वे खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते हैं। अब फिर आपकी व्यंग पर नजर जाए, मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। अच्छा, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं। वाह, मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से सुनना। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा है, अच्छा है, क्या मुहावरा। और अब मैं जो व्यंग कह रहा हूँ, एक भी हाथ खामोश न रहे, क्योंकि दीवारों भी कई कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। अच्छा है। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन की ओर बढ़ता हूँ। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और अब आपकी तालियां उठेंगी, मेरा दावा है आप रोक नहीं पाओगे। तुरंत नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल।
रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अब मैं इस लेख का समापन कर रहा हूँ, समापन पर तालियां बजा देना वरना इसी को फिर शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि मन की बात का कोई भरोसा नहीं है कब शुरू हो जाए। बड़ी मोहब्बत दी। पता है अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।